हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी आरजू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सिंपल इजी स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल। ये मेरा गो टू मेकअप ट्यूटोरियल है। जब भी मैं कोई साड़ी पहनती हूँ या फिर कुछ इंडियन, तो मैं हमेशा इस मेकअप लुक को कैरी करती हूँ। आई पर्सनली लव दिस मेकअप लुक और मुझे ये वाला जो आई लुक है मेरे ऊपर, ये काफ़ी सूट करता है मेरे आई शेप के ऊपर। सो आई थॉट दिस वीडियो शुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द बिगिनर्स आउट देयर। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो सभी को शुभ विजया एंड हैप्पी दशहरा। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, विच आर जस्ट अंडर ₹500। सो दिस इज़ अ अफोर्डेबल काइंड ऑफ वीडियो। ऑल्सो सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजन पर इजीली मिल जाएंगे, दैट ऑल्सो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किए हैं, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, अगर आपको ये वाला ईयरिंग का भी लिंक चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। ये भी मैंने अमेजन से ही परचेज किया है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। प्लम ग्रीन टी मॉइस्चराइजर काफ़ी लाइट वेट है एंड एकदम परफेक्ट है ऑयली, एक्नी प्रोन या सेंसिटिव स्किन के लिए। उससे मैं अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। डे टाइम लुक है इसीलिए मैं न्यूट्रिजना का ये सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ। अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा सनस्क्रीन है ये। नेक्स्ट मैं प्राइम कर रही हूँ यूजिंग NY बे कलर करेक्टिंग प्राइमर। ये ग्रीन वेरियंट में है, उसमें ऑरेंज एंड येलो वेरियंट भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ फाउंडेशन, ये Maybelline Fit Me फाउंडेशन है। मैं 128 शेड ले रही हूँ क्योंकि ये ना मेरे स्किन से थोड़ा सा डार्क है, तो अभी मेरे अंडर आई रीजन में थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, तो उसे कैंसिल आउट करने के लिए मैं ये शेड इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरा जो परफेक्ट शेड है स्किन टोन से मैचिंग, वो है 120 शेड। तो उसे मैं कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ जब मेरे फेस पर पिगमेंटेशन नहीं रहता है तब। नेक्स्ट टाइम कंसीलिंग, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी स्विस ब्यूटी कंसीलर इन द शेड सैंड सेबल। इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही अच्छा एक कंसीलर है। उसे मैं फिंगर टिप से हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी एंड काफ़ी क्रीमी है और कवरेज भी अच्छा ही देता है। सिर्फ पिगमेंटेड एरियाज़ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। एंड देन सेट करने के लिए आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। इसका ना एक छोटा सा वेरियंट भी अवेलेबल है जो कि 150 आसपास आपको मिल जाएगी, दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। एंड मैं इसे अपने फेस पर तो लगाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं ये बेकिंग करूँगी अपने फेस पर, क्योंकि मैं स्मोकी आई लुक क्रिएट करूँगी। तो उसके लिए मैं बेकिंग कर रही हूँ यूजिंग इनसाइड बनाना पाउडर। अगर स्मोकी आई लुक नहीं होता तो मैं शायद बेकिंग स्किप कर देती। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ यूजिंग ब्लू हेवन ब्राउ डिफाइनर। ये अफोर्डेबल है, येट इट इज़ सो इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा इसका पे ऑफ है, सो यू कैन ट्राई दिस। नेक्स्ट मैं मार्स का ब्रॉन्जर पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे जो ब्राउन शेड है ना उससे मैं अपनी ट्रांजिशन शेड की तरह इस्तेमाल करूँगी और पूरे आईलेट पर फोकसिंग ऑन दी आउटर वी मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन मैं काजल इस्तेमाल करूँगी मेबलिन कोलोसल का, ये भी अफोर्डेबल रेंज में अच्छा काजल है। तो इसे मैं अपने अपर आईलेट पर और अपने लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी एंड देन मैं एक एंगुलर ब्रश से अपर आईलेट पर उसे अच्छी तरीके से स्मोक कर लूंगी, स्मज कर दूंगी। ज्यादा आपको स्मोक लुक नहीं चाहिए, जस्ट उसे हल्के हाथों से आप स्मज कर दीजिए इसी तरीके से, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे, ये स्मोक्ड रहे। उसके बाद लोअर लैश लाइन पर जो मैंने लगाया था उसे भी मैं हल्के हाथों से स्मोक कर दूंगी आउटर कॉर्नर पर, इनर कॉर्नर पर नहीं लगाना है, सिर्फ आउटर कॉर्नर पर। ब्लू हैवन एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा मेरा फेवरेट है, अफोर्डेबल रेंज में इतना अच्छा एक मस्कारा है। मैंने मेबलिन का मस्कारा इस्तेमाल करना छोड़ दिया आफ्टर यूजिंग दिस। देन मैं एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ कर लूँगी एंड देन मैं फेस कॉन्टोरिंग करूँगी यूजिंग द सेम ब्रॉन्जर पैलेट फ्रॉम मार्स। उससे मैंने ब्रॉन्जिंग शेड लिया और मैं अपने जॉ लाइन को और अपने चीक बोन्स को अच्छी तरीके से डिफाइन कर लूँगी इसी तरीके से एक एंगुलर ब्रश से। एंड देन ब्लश की बारी। सो ब्लश के लिए मैंने NYB का ब्लश इस्तेमाल किया है, बट देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल अंडर ₹500, कलर बार, मेबलिन, स्विस ब्यूटी, तो आप उनके ब्लशेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं अपने ना चीक बोन्स पर ब्लश अप्लाई करना पसंद करती हूँ बिकॉज दिस सूट्स मी वेल। और फिर मैंने हाइलाइटर इस्तेमाल किया, वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर। अफोर्डेबल साइड में आप इनसाइड का भी हाइलाइटर लगा सकते हो, ₹99 में बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, वो थोड़ा सा क्रीमी साइड में है। फिर मैंने ये इनसाइड का मैट लिप इंक लिया है, ये अमेजिंग है। एंड द शेड इज 08 वाइल्ड कार्ड, सच एन अमेजिंग शेड।
शेड एंड फिर मैंने मेकअप फिक्सर इस्तेमाल किया इनसाइड का ही, अगेन अफोर्डेबल येट वेरी इफेक्टिव और दिस कम्प्लीट्स माई फाइनल लुक। मैंने एक ब्लैक बिंदी अप्लाई किया है विच इज़ माई फेवरेट एंड ये लुक आप सबको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप इस लुक को किसी भी साड़ी के साथ, चूड़ीदार के साथ, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकते हैं एंड आई लुक भी काफ़ी अच्छा है एंड क्विकली एकदम 2 मिनट में आप इस तरीके का स्मज्ड आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये मेरा मेकअप लुक आप सबको अच्छा लगा। अगर इस मेकअप लुक को आपने क्रिएट किया और आपका लुक अच्छा लगा सभी को तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मेकअप लुक पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वंस अगेन शुभ हो, बेजोया एंड हैप्पी दशहरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।